सभी में प्रवेश किया। गीता माता और सेवक राम के शरीर में प्रवेश किया। नाम क्या किया? नाम से काम है या आत्मा से काम है? आत्मा को हम पहचानेंगे या बाप दादा बतावेंगे? बाप दादा ने क्या बोला बताने के संबंध में? किसी भी आत्मा के पार्ट को बाप दादा नहीं खोलेंगे, कागज या बोर्ड पर लिखकर नहीं बतावेंगे। ये इतना इशारा दे दिया। इन दीदी दादियों के पास भी उनके फोटो हैं। अब उनके फोटो को तफ्तीश करो और उनसे पूछ लो कि इन फोटोधारियों का क्या नाम है। करने से होगा या बातें बना लेने से होगा? कैसे होगा? करने से होगा। बाबा ने तो इशारा दे दिया। और ब्रह्मा के शरीर को दिया, उनको ब्रह्मा का नाम दिया। हाँ, कैसे उनको नाम दिया होगा? यज्ञ के आदि में जो भी नाम दिए थे वो सब कैंसिल कर दिए, क्योंकि बहुत भाग गए। जो भागंती हो गए तो उनके नाम भी कैंसिल हो गए। अब नए सिरे नाम रखेंगे या पुराने ही नाम रखेंगे? क्या करेंगे? नए सिरे रखेंगे। और है अज्ञान की रात जिनकी गुजर गई वो हैं गुजरात वाले। हाँ, हाँ, कभी भी बुलाएं तो वो आ सकते हैं। कौन? जो गुजरात के बीज रूप हैं। आधार मूर्तों की बात नहीं बताई। जो गुजरात के तना रूप हैं, देवताएं, उनकी बात नहीं बताई। तना का लास्ट रूप त्रेता के चंद्रवंशियों की बात नहीं बताई। टहनियों की बात नहीं बताई, पत्तों की बात नहीं बताई। किसकी बात बताई? जो बीज रूप आत्मा है वो कहाँ है? हैं? यहाँ है। दूसरों की तो बात ही नहीं। पहले बीज का काम सक्रिय होगा या दूसरों का काम सक्रिय होगा? बीजों का काम पहले सक्रिय होगा। तो आगे और है, एक ही बात सिद्ध हो जाए कि गीता संगम पर सुनाई गई तो तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। है, ठीक है। ये बात साबित हो जानी चाहिए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष नहीं है। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, प्रूफ और प्रमाण सहित। और 2500 वर्ष जो स्वर्ग की हिस्ट्री है सतयुग त्रेता की, प्रूफ और प्रमाण सहित किसी के पास नहीं है। वो कहेंगे पुराण और शास्त्र, उनमें अंधश्रद्धा भरी हुई है या हिस्ट्री है, वो तो अंधश्रद्धा है। उनकी बात छोड़ दो। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री मनुष्यों के पास नहीं है, और जो हिस्ट्री है वो मनुष्य धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए हुए धर्मों की हिस्ट्री है। मनुष्यों ने जो धर्म स्थापन किए हुए हैं वो दुख की दुनिया बढ़ाने वाले हैं या घटाने वाले हैं? वो दुख की दुनिया बढ़ाने वाले। भगवान आकर के जो धर्म की स्थापना करता है वो 2500 वर्ष का टाइम किसी को पता नहीं है, उसकी हिस्ट्री किसी के पास नहीं है। वो है ज्ञान दिन
और मनुष्य गुरुओं के द्वारा फैलाई गई है अज्ञान की रात द्वापर कलयुग। तो टोटल मिलाकर के 5000 वर्ष का कल्प है, उसमें कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का संगम है 100 साल। जैसे सभी धर्म पिताओं ने 100 साल के अंदर अपने धर्म की स्थापना की, वैसे भगवान बाप भी आकर के 100 वर्ष के अंदर धर्म की स्थापना का कार्य करते हैं। सभी धर्म पिताओं ने, मनुष्य गुरुओं ने, धर्म पिताओं ने ओरली आकर के सुनाया है या किताब बैठ करके लिखी है। ऐसे ही इस संगम युग में परमपिता परमात्मा भी आकर के ओरली गीता ज्ञान सुनाते हैं, कोई किताब नहीं बैठ करके लिखते हैं। हाँ, भगवान बाप के बच्चे जो शास्त्र लिखे हुए हैं गीता के, उन शास्त्रों का असली सार सुना सकते हैं, असली ज्ञान सुना सकते हैं, क्योंकि दुनिया की 108 मठ संप्रदायें जब गीता का अपना अपना अनुभव अपना अपना व्याख्या करके सुना सकती हैं, तो क्या ईश्वरीय ज्ञान जो सच्चा ज्ञान है उसके अनुसार गीता की व्याख्या नहीं हो सकती क्या? कब होगी, कौन से युग में होगी? संगम युग में ही वो व्याख्या होगी। यज्ञ के आदि में भी गीता पढ़ करके सुनाते थे, अर्थ बताते थे आदि में, सो अंत में भी होगा तो दुनिया मानेगी। एक गीता ही ऐसा सर्वोपरि ग्रंथ है जिसको सारी दुनिया के सब धर्म के लोग मानते हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार जब उसकी व्याख्या निकलेगी तो सारी दुनिया को माननी पड़ेगी। इसलिए बताया कि संगम युग सिद्ध कर दें तो गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि भगवान को आर्ययुग में आने की दरकार ही नहीं है। मकान भी जब पुराना तमो प्रधान होता है तब नया मकान बनाया जाता है, यह शुरुआत में ही बनाया जाता है, मध्य में भी बनाया जाता है, हैं? अंत में ही बनाया जाता है तमो प्रधान होने पर। तो ये भी षष्ठी रूपी मकान है, इसकी भी 4 अवस्थाएं हैं। षष्ठी रूपी मकान की 4 अवस्थाओं का नाम सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है। कलयुग के अंत में ही भगवान आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं और ज्ञान के द्वारा पहले मन बुद्धि को चेंज करते हैं। मन बुद्धि चेंज होगी, मन बुद्धि रूपी आत्मा परिवर्तन होगी तो सारा झाड़ परिवर्तन हो जाएगा। और साधु कह रहे थे गीता विध्वंसक और युद्ध कारक ग्रंथ गीता की। विध्वंसक ग्रंथ तो है लेकिन विध्वंस तामस का करता है या सात्विकता का विध्वंस करता है? तो विध्वंस ग्रंथ अच्छा है या बुरा है? तामसी दुनिया का विध्वंस हो जाए, तामसी पदार्थों का विध्वंस हो जाए, तामसी मनुष्यों का विध्वंस हो जाए, तामसी जो जानवर हैं चीड़फाड़ करने वाले हिंसक उनका भी विध्वंस हो जावे तो अच्छी बात है विध्वंस या खराब बात है? विध्वंस भी अच्छी बात है। और एक एक नाम का एक माने एक स्थान है, है? एक को बोलते होते एक को नाम का एक स्थान है वहाँ पे माने भारत में किसी भारत ज्योतिर्लिंग माने जब आते हैं तो उसमें एक ज्योतिर्लिंग वहाँ पे देव को पहले तो जब तक तीर्थ पूरा नहीं होता ना। क्या पूरा नहीं होता? तीर्थ सारे माने नहीं जाते तो वहाँ का जल उससे नहीं जा रहा था। हाँ, एक पत्थर है, पत्थर में से पानी आ रहा, तीन फुट है, तीन फुट में बहुत पत्थर में पानी आ रहा, तीनों को फुट जा रहा तो वहाँ पे ढेर सारी चीजों की मूर्ति है। आपकी कथा कहानी तो बहुत लंबी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक प्रमुख कौन है? वो ये 12 ज्योतिर्लिंगम में एक मुख्य कौन है? 12 ज्योतिर्लिंगम में
मुख्य पहला वाला है जो 11 में प्रवेश करता है। जो 11 रुद्र गण गाए हुए हैं उन 11 रुद्राक्ष के मणकों में वो एक ही शिवलिंग प्रवेश करता है जो शिव का मुकर्रर रथ है। इसलिए उसमें जब तक पानी न पड़े तब तक सिद्धि नहीं समझी जाती। अरे वो ही तो विष्णु बनता है। और भक्ति में कोई स्पष्ट नहीं होती, स्त्री और मूर्तियों में ही एक में जल चढ़ाए हुए दूसरे में अलग कीर्ति से। भक्ति मार्ग की बातों से ज्ञान मार्ग भी सिद्ध होगा या नहीं होगा? ज्ञान मार्ग भी सिद्ध हो जाएगा। पहले पहले द्वापर के आदि में भक्ति भी सतो प्रधान थी या तमो प्रधान थी? तो सतो प्रधान भक्ति का जो अर्थ निकलेगा वो सात्विक अर्थ निकलेगा या तामसी अर्थ निकलेगा? सात्विक अर्थ निकलेगा। तो अभी वो बातें क्लियर हो रही हैं भक्ति की भी। और आधा सूर्य उगता है जहाँ सीढ़ी का अंत दिखाया है। हाँ हाँ, तो सीढ़ी का अंत कौन से वर्ष में दिखाया है? अरे सीढ़ी का जो चित्र बना है उसमें जो अंतिम कलयुग दिखाया है, तो कलयुग के अंत में जो वर्ष दिया हुआ है वो कौन सा वर्ष दिखाया है? है 5000 वर्ष नहीं है। सीढ़ी के अंत में लिखा हुआ है 40 वर्ष का संगम युग। ध्यान से देखा कि नहीं है? नहीं देखा? देखा 40 वर्ष का संगम युग कौन से सन में पूरा होता है? है 76 में। तो 76 में जो सूर्य उदय होगा वो आधा सूर्य उदय होगा कि पूरा उदय होगा? हुआ या नहीं हुआ? है जो गुजरात वाले हैं वो इस बात को जानते होंगे कि सूर्य पूरा उदय नहीं हुआ, अंश मात्र में उदय हुआ है। हैं? जो संकल्पों की तीखी उड़ान भरने वाले गुजराती हैं, ऊंची उड़ान भरने वाले गुजराती हैं, एरोप्लेन में उड़ने वाले जिनका आत्मा रूपी एरोप्लेन ऊंची उड़ान में उड़ता है, तो वो इंडियन एरोप्लेन क्या, उस कंपनी का नाम क्या है? इंडियन एयरलाइन, उसकी निशानी क्या है? हैं? अरे उगता हुआ सूर्य, अधूरा सूर्य है या पूरा सूर्य है? अधूरा सूर्य दिखाते हैं। हर एक एयरलाइन का कोई न कोई चिन्ह होता है, तो जो इंडियन एयरलाइन है उसका भी यादगार चिन्ह बना हुआ है। जब ज्ञान सूर्य उदय हुआ था तो गुजराती बहुत ऊंची स्टेज में उड़ान भरते थे संकल्पों की, इसलिए यादगार में अधूरा सूर्य दिखाया है सीढ़ी के चित्र में 40 वर्ष के बाद। कब पूरे होते हैं 40 वर्ष? 76 में। और वास्तव में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवदेव महादेव कहते हैं क्योंकि शिव के बाद है शंकर। ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं, बाकी शंकर नहीं आता है। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म है वैसे शंकर भी सूक्ष्म है। इसमें देवदेव महादेव तीनों ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को कहा? हाँ, क्योंकि शंकर में ही तो तीनों है, देव ब्रह्मा है उसमें कि नहीं है? देव ब्रह्मा और देव विष्णु, जो विष्णु में कार्य करने वाली 5 आत्माएं हैं वो शंकर में साबित होती हैं या नहीं होती हैं? वो भी साबित होती हैं। जैसे विष्णु को 4 भुजाओं वाला दिखाते हैं
वैसे शंकर को भी चित्रों में चार भुजाओं वाला दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? हैं? विष्णु का विराट रूप दिखाते हैं, वैसे शंकर का भी विराट रूप दिखाते हैं, और शिव तो उसमें प्रवेश है ही, वो हुआ भगवान का रूप, तो तीनों ही हो गए, देव देव महादेव। महादेव कब साबित होता है? जब भगवान उसमें प्रवेश करता है तब ही महादेव साबित होता है। देव ब्रह्मा, देव विष्णु और उनमें बड़ा महादेव। और हाँ, जूते के चार टुकड़े होंगे, जूते के चार टुकड़े होंगे। हाँ, कौन कौन से? एक अब पूरी बात पक्की कर लो तब पूछो। है पूछने वाला पूरा प्रश्न करे फिर जवाब देने वाले को बुद्धू बनाए। हाँ, और आगे। हाँ, एक है कांटों का जंगल और दूसरा है फूलों का बगीचा। हाँ? गार्डन ऑफ अल्लाह। गार्डन ऑफ अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने बनाया है तो नाम क्या देंगे? गार्डन ऑफ अल्लाह में कितनी आत्मा? गार्डन ऑफ अल्लाह में 4.5 लाख आत्मा है। अरे कोई नई बात है क्या? समझ में नहीं आया है? नहीं आया? हाँ, और बाबा ये भक्ति में नवधा भक्ति का जो गायन है वेद में उसका क्या? वेद में है नवधा याद, भक्ति मार्ग में करते हैं याद, नहीं ज्ञान मार्ग में करते हैं याद और भक्ति में करते हैं भक्ति 9 प्रकार की। क्या उन्होंने अलग अलग नाम दे दिए हैं, अलग अलग उनके स्थापन करने वाले हैं। भक्ति एक ने स्थापन की है या रावण के 10 सिरों ने स्थापन की है? हैं? रावण के 10 सिरों के द्वारा भक्ति चलाई जाती है, रावण के द्वारा आती है भक्ति। तो रावण के जो 10 सिर है उसमें एक तो है नास्तिक, वो भक्ति करता है, उसको निकाल दो, कितने रह गए? 9 सिर रह गए। तो 9 धर्म वाले जो हैं वो आस्तिक हैं नंबर वार, तो उनकी भक्ति में भी फर्क होगा या नहीं होगा? सब एक जैसे पक्के भक्त होंगे या नंबर वार कच्चे भी होंगे? तो नंबर वार कच्चे हैं, उनकी भक्ति कोई ने सतोप्रधान भक्ति द्वापर युग से शुरू की और कोई अभी कलयुग के अंत में आकर के तमोप्रधान भक्ति कर रहे हैं जैसे आर्य समाजी। तो 9 प्रकार के धर्म पिताए हैं, 9 प्रकार की उनकी भक्ति है, और जब वो ज्ञान में आते हैं तो 9 प्रकार का उनका याद की स्टेज बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो अव्वल नंबर के भक्त होंगे जिन्होंने द्वापर के आदि से ही शिवलिंग की पूजा की है, वो मुकर्रर रथ के द्वारा बताई हुई स्थापन की हुई याद की स्टेज को समझेंगे या आर्य समाजियों के द्वारा बताई हुई याद की स्टेज को समझेंगे? हैं? हाँ, उनका गुरु साकार में और चंद्रवंशियों का साकार में गुरु और इस्लाम वंशियों का साकार में गुरु। और तो जैसे भक्ति 9 प्रकार की हो जाती है वैसे याद भी, याद के तौर तरीके भी 9 प्रकार के हो जाते हैं। और अरे भाई इधर बैठे हैं, भाइयों का प्रश्न उधर कहाँ से पहुंच गया? राम रावण कैसे बनता है? बता दिया तो भी नहीं बुद्धि में बैठता। अच्छा, बताने वाले की बुद्धि में बैठा है तो पहले बताने वाला बताए। हाँ, चढ़ती कला का नाम राम है और उतरती कला का नाम रावण है। राम सबसे ज्यादा ऊंचा चढ़ता है कि रावण सबसे ऊंचा ज्यादा चढ़ता है?
राम चढ़ने में सबसे ज्यादा ऊंचा है तो उतरने में भी सबसे नीचा उतरता होगा कि नहीं उतरता होगा, है? तो उतरने में भी ज्यादा ऊंचा कौन हुआ? राम ही सबसे ज्यादा नीचे भी उतरता है और राम ही सबसे जास्ती ऊंचा भी चढ़ता है। उसको शिव बाबा ने काम दिया हुआ है, ऊंचे चढ़ो। जिन्नात का नाम सुना है? सुना है? मुरली में डायरेक्शन दिया है तुम बच्चों को, नंबर वार क्या करो, है? जिन्न की तरह ऊपर चढ़ो सीढ़ी में और फिर नीचे उतरो। जिन्न की तरह सबसे ऊंची सीढ़ी कौन सी है? जिस सबसे ऊंची सीढ़ी में जिन्न चढ़ जाता है। अरे उस ऊंची सीढ़ी का नाम क्या है? अरे 84 जन्म की सीढ़ी सामने खड़ी है, सबसे ऊंची सीढ़ी का नाम क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग तो सतयुग में होगा, वो सीढ़ी बाद में आएगी। संगम युग की, स्वर्णिम संगम युग की सीढ़ी सबसे ऊंची सीढ़ी है। उस सीढ़ी पर अभी अभी एक सेकंड में चढ़ जाओ, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी चढ़ जाओ। कौन से युग में? संगम युग में। और कलयुग के अंतिम जन्म की जो सीढ़ी है उसमें एक सेकंड में नीचे उतरो। एक सेकंड में साकारी और एक सेकंड में निराकारी। तो राम ज्यादा पावरफुल हुआ या रावण ज्यादा पावरफुल हुआ? राम ज्यादा पावरफुल हुआ, वो एक मुख वाला है और रावण 10 सिर वाला है। 10 सिर वाला जो रावण है उसका पहला मुख कौन है? अरे दशरथ का बेटा राम सुना है? सुना नहीं? दशरथ। तो राम वाली आत्मा जब बेसिक में आती है उसके आने से पहले ही दस नारायण बेसिक में आ जाते हैं। वो है रावण के 10 मुख। उनमें पहला मुख कौन हुआ और कब हुआ है? अरे एक के आज में ही हुआ, जिसने ब्रह्मा बाबा को ज्ञान दिया, राम वाली आत्मा। तो वो बड़े से बड़ा राक्षस भी है और बड़े से बड़ा देवता भी है। सारी दुनिया का बीज कौन है? हैं? राम, बाप वाली आत्मा सारी दुनिया की बीज है। अच्छे से अच्छों का भी बाप है और बुरों से बुरों का भी बाप है। और बाबा मध्य प्रदेश में भक्ति में दिखाते हैं, एक व्रत है हर छठ उसको नाम रखते हैं, पूजा तो करते हैं शिवलिंग की लेकिन उसमें घास फूस वृक्ष जैसे चढ़ाते चढ़ाते पूजा तो करते हैं शिवलिंग की हाँ। लेकिन उसमें घास और कांटे गड़ा कर पूजा करते हैं और हल का अभिषेक रखते हैं, मतलब हल से जुते हुए जमीन का कोई भी भोजन नहीं करते हाँ। इसलिए उसमें महुआ का ज्यादा प्रावधान है हाँ। तो ये सब क्यों है? ये जारी छूली उसका नाम दिए। ये दुनिया की तमो प्रधान भक्ति है, जड़ तत्वों की पूजा। तो पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की बातें प्रत्यक्ष होंगी या तमो प्रधान भक्ति की बातें प्रत्यक्ष होंगी? पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की जो बातें हैं वो मुरली में बाबा सुनाते रहते हैं। मुरली में भक्ति की बातें सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं? बाकी कहते थे शास्त्रों में भूसा भरा हुआ है, वैसे ही ये भूसा भरी हुई बातें हैं। छोटी छोटी बातों को छोड़ दो, जब अंत में ज्ञान बहुत विस्तार को पहुंच जाएगा तो इन बातों का भी फटाफट जवाब आएगा। अभी आप भी पूरी रस्म नहीं बता पा रहे हैं तो उसका अर्थ भी क्लियर नहीं हो सकता। और
अनिश्चय का बीज किससे आता है? अनिश्चय का बीज, अनिश्चय का बीज कहाँ से आता है? क्यों नहीं आता है? यज्ञ के आदि में बाप को अनिश्चय हुआ या नहीं हुआ? झूठ क्यों बोलते हो? अरे अरे, बाप को अनिश्चय हुआ या नहीं हुआ? अरे हाँ या ना तो बोलो। बस उसमें अनिश्चय का भी बीज समाया हुआ है, उसमें 100% निश्चय का भी बीज समाया हुआ है। यज्ञ के आदि में इतना ज्ञान नहीं था तो छोड़ करके चले गए अनिश्चय में आकर, और अंत में ज्ञान पूरा होगा या अधूरा होगा? हैं? पूरा ज्ञान आ जाएगा बुद्धि में तो छोड़ने की बात ही नहीं। इसलिए कहते हैं बाप समान बनो। और हैं? कहते हैं रामायण में बोला, हाँ, ईर्ष्या जो है तीन प्रकार की होती है। ईर्ष्या तीन प्रकार की होती है। बोला जब तीनों प्रकार की ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, छोटी त्रिविध ईर्ष्या गाड़ी, तब एक लालसा मन के अंदर प्रगाढ़ होगी। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ईर्ष्याओं से परे तो अनसुईया जी है केवल। ईर्ष्याओं से परे वो कहा जाता है जो 100% सात्व की ईर्ष्या में टिकता है। सात्व की ईर्ष्या, दुनिया की हर चीज तीन अवस्थाओं से पसार होती है, सतो रजो और तमो। दुनिया की हर चीज के तीन रूप होते हैं, तो ईर्ष्या का भी तीन रूप हैं। पहला रूप है सतो प्रधान, दूसरा रूप है रजो प्रधान, तीसरा रूप है क्रोध। भी ऐसे ही है, सतो प्रधान क्रोध, रजो प्रधान क्रोध और तमो प्रधान क्रोध। हत्या कब करते हैं? जब तमो प्रधान क्रोध होता है तो हत्या कर देते हैं। सतो प्रधान काम, रजो प्रधान काम और तमो प्रधान काम। आज काम विकार तो दुनिया में बढ़ रहा है, लेकिन कौन सी स्टेज का बढ़ रहा है? तमो प्रधान। इच्छा पूरी नहीं होती है कामना की, काम विकार की इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या कर देते हैं? हैं? हत्या करके गली में फेंक देते हैं। वो हुआ तमो प्रधान। ऐसे ही हर विकार है, अकेली ईर्ष्या की बात नहीं है। दुनिया की हर चीज तीन अवस्थाओं से पसार होती है। और हाँ, मतलब जब संपूर्ण बन जाएगा तो विष्णु नहीं बन जाएगा है? संपूर्ण बनेगा तो विष्णु बन जाएगा या शंकर रहेगा? विष्णु आ जाएगा, विष्णु की चार भुजाओं में सम्मिलित हो जाएगा, फिर शंकर कहाँ रह जाएगा? और जब शिव समान बाप, शिव बाप इस सृष्टि पर किस लिए आते हैं? बच्चों को आप समान बनाने के लिए आते हैं। तो जब शिव बाप प्रवेश कर सकते हैं तो बाप का बनाया हुआ आप समान बच्चा बच्चों में प्रवेश नहीं कर सकता है? यही तो बात है कि अंतर्वाहक शरीर भी दो प्रकार के होते हैं। एक साकार शरीर रहते भी दूसरों के शरीर में प्रवेश करके काम करके वापस आ जाना, और दूसरे वो होते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया फिर सूक्ष्म शरीरधारी बने। तो श्रेष्ठ कौन हुए? साकार शरीर में रहते हुए भी जब चाहे शरीर अलग पड़ा हुआ है, आत्मा अलग से देख रही है, ये निर्जीव आत्म शरीर पड़ा हुआ है, जब चाहे तो प्रवेश करे, जब चाहे तो वापस आ जाए। हैं?
भक्ति जल गई लेकिन भक्ति गया उसका क्या? हाँ यही बात है कि दुनिया की जो तमो प्रधान आत्माएं हैं वो उनका रस्सी का मिसाल है, जल जाएंगी लेकिन उनके बल खत्म नहीं होंगे, वो राख नहीं बनेंगी। जो पक्की भारतीय आत्माएं हैं वो शरीर धारण करती हैं, जन्म जन्मांतर उनको जलाया जाता है शरीरों को, तो राख बन जाती है। और जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं उनको जलाया नहीं जाता है, क्या करते हैं? जमीन में गाड़ते हैं, मिट्टी में गाड़ते हैं। मिट्टी अर्थात देह अभिमानी की मिट्टी, उनका देहबान खत्म नहीं होता है। तो उसकी मिसाल रस्सी से दी गई है। और बाबा त्रिमूर्ति में शंकर के पांव ऊपर क्यों दिखाए हैं जबकि ब्रह्मा के नीचे बताए हैं? शंकर को ऐसे बिठाए हुए दिखाए हैं। ब्रह्मा को सहज आसन दिखाया हुआ है और शंकर को पद्मासन कठोर आसन दिखाया गया है। कठोर आसन है पद्मासन। पद्मासन का मतलब है उनकी जीवन की जो स्थिति है पुरुषार्थ में रहने की बैठने की, वो पद्म के समान है, कमल फूल के समान है। उनका सारा जीवन कमल फूल के समान है। कमल कहाँ रहता है? हैं? कोई देखेगा तो कहेगा ऐसे कीचड़ में पड़ा हुआ है। तो ऊपर की आंखों से देख रहा है या अंदर की आंख से देख रहा है? ऊपर की आंखों से देखने में पता चलेगा कीचड़ में पड़ा है, लेकिन वो कीचड़ में से बाहर निकालेंगे तो उसकी बुद्धि में एक भी संकल्प आएगा या नहीं आएगा? है कीचड़ का नहीं आएगा। सामान्य आत्माएं जो होती है वो कीचड़ में जाती तो है, भैंसा कीचड़ में पड़ा रहता है ना, गेंडा कहाँ पड़ा रहता है, सुअर कहाँ पड़ा रहता है? कीचड़ में पड़ा रहता है। बाहर निकलेगा तो उसके बालों में कीचड़ देखने में आएगा कि नहीं? तो ऐसे ही ये बुद्ध रूपी जो जटाएं हैं उन बुद्ध रूपी जटाओं में शंकर को कीचड़ देखने में नहीं आता, निर्मल ज्ञान की गंगा देखने में आती है। और मनुष्यों की बुद्धि में सुबह से शाम तक वो कौड़िया ही कौड़िया का अंधेरा भरा रहता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, केक जैसे हैं नंबर वन। और क्रिमिट वाली आत्मा वैराग्य है, क्रिमिट वैराग्य आत्मा क्या राम जी को पार्वती को प्रसाद कर रहे हैं आत्मा केवट? केवट क्या करता है? अभी प्रसाद कर रहे हैं कि संबंध राम है। केवट कहते हैं जिसके पास ऐसी नवैया है कि वो नवैया में राम अगर बैठ जाते हैं तो विषय वैतरणी नदी के पार पहुंच जाते हैं। तो केवट कोई और नहीं है, जिसके पास शरीर रूपी ऐसी चैतन्य नवैया है जिस चैतन्य नवैया में आधार लेने से वो इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं। उस नैया का गायन है, नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। उस नैया की बात है, वो नैया केवट की है, उसके ऊपर उसका अधिकार है। जब राम बैठते हैं तो अधिकार राम के हाथ में आ जाता है। और उनके करण को बेटी में ब्याह को छोड़ दिया तो उनको ब्याह क्या होता है? यज्ञ के आदि में कुंती कौन है? है
कुंती कौन है और कर्ण कौन है? कर्ण माने कान। कौन से कान है जो ज्ञान बहुत सुनते हैं? सबसे जास्ती पहले और सबसे जास्ती ज्ञान वो ही सुनते हैं। रामायण में भी आया है, जहां जहां रामायण के ज्ञान की कथा होती है वहां कौन कौन विराजमान रहता है? हनुमान विराजमान रहता है। तो वो हनुमान वो कौन है? ब्रह्मा बाबा। वो कर्ण भी है जो कान से बहुत काम करता है। उसको विषय वैतरणी नदी में बहा दिया गया। जिंदा बचा या मर गया? है जिंदा बचा। और उसकी पालना किसने की? है उसकी पालना किसने की? अरे कोई रथ चलाने वाला था या नहीं था? कौन है उसका रथ चलाने वाला? वो मल्लाह कौन है? अरे शिव बाबा मल्लाह बना कि नहीं बना? तो शिव बाबा उसका मल्लाह भी बन गया। उसी ने उसको पाला। कर्ण के पास राजाई थी या नहीं थी? है नहीं थी। वो राजा का बच्चा था या दास का बच्चा था? राजा का बच्चा था कर्ण। है दासी पुत्र कहा जाता था। दासी पुत्र का मतलब ही है शिव बाबा कहते हैं आ बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो तुम सूर्यवंशी बच्चों का जो मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट है उसने उस कर्ण की पालना की है। ये रहस्य है। और लेकिन बाबा उसको एक तरफ तो सूर्य पुत्र भी कहा गया ना। ओहो जब सूर्य ने वरदान दिया है। वरदान माने ज्ञान। ज्ञान किसने दिया? है ज्ञान तो सियान सूर्य नहीं दिया। और जब सूर्य ने उसको बाप बन करके दान दिया तो क्या क्या दिया? कुंडल दिए। कुंडल माने कान। अच्छे कान दिए या बुरे कान दिए? दुनिया में इससे अच्छे कान और किसी के होते हैं? है जो भगवान के ज्ञान की बातें सबसे पहले सुने और सबसे ज्यादा सुने ऐसे कुंडल दिए। और क्या दिया? कवच दिया। कवच काहे का दिया? याद का कवच दिया। निराकार की याद बच्चों को ज्यादा याद आती थी या ब्रह्मा को ज्यादा याद आती थी? है ब्रह्मा को ज्यादा याद आती। सभी धर्म पिताएं ए टू जेड जितने भी धर्म पिताएं हैं उनको निराकार की याद ज्यादा आती है या साकार की याद ज्यादा आती है? निराकार। चाहे प्रजापिता हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, इनको साकार की याद ज्यादा आती है या निराकार की याद ज्यादा आती है? निराकार की याद ज्यादा आती है। कुंती ने उनको मांग के अर्घ्य दिए थे। कुंती ने वापस मांग लिए। हैं? किसने वापस मांग लिए? हैं? कुंती ने मांगे। कुंती ने नहीं मांगे। हाँ हाँ। ज्योतिष में गायने की जो ग्रह दशा है वो मनुष्य को प्रभावित करती है। दशा राहु की दशा बिल्कुल। तो ऐसा कोई सूक्ष्म है मतलब बेहद व्यवस्था क्या आरती की वास्तव में माने तुम्हारी बुद्धि में ये है कि स्थूल में ही रतन होते हैं जो चैतन्य रतन नहीं है। कोई चैतन्य हीरा है या नहीं है?
तो उसके प्रभाव में कभी आते हैं या नहीं आते हैं? कभी उसके प्रभाव से निकल जाते हैं, माया के प्रभाव में आते हैं या नहीं आते हैं? है? जब सूर्य के प्रभाव में आते हैं, हीरे के प्रभाव में आते हैं, तो जैसे कि बृहस्पति की दशा है, वो पतियों का पति है, बृहस्पति, उससे बड़ा कोई पति है ही नहीं। पुरुष के बाद है नंबरवार रतन, चैतन्य रतन। वो चैतन्य रत्नों में ब्रह्मा बाबा भी है, उन चैतन्य रत्नों में इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्माएं भी हैं, बौद्ध रत्न की भी है, क्रिश्चियन धर्म की भी है, राहु भी है, शनि देवता भी है। तो उनकी दशाओं में अर्थात उनके प्रभाव में एडवांस में चलने वाली आत्माएं प्रभावित हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है, यही रत्नों की दशा है। है? कान लंबे लंबे करके सुनो, शरीर की महादशा बुरी होती है, शरीर की शनि शनि की महादशा हाँ बुरी होती है, बुरी होती है। शनि अच्छा है या राहु अच्छा है? हैं? शनि फिर भी अच्छा है, कम से कम दोस्ती तो निभाता है। राहु तो बड़ा ही सत्यानाशी है, उसको सिर्फ मुंडी ही मुंड दिखाया है, शरीर नहीं दिखाया है। माने बुद्धि ही बुद्धि चलाता है, अटम्बब बनाता है। वो कौन सा धर्म है? नास्तिक धर्म है, वो बहुत खतरनाक है। उसके मुकाबले आर्य समाज फिर भी अच्छा है, आधा नास्तिक है और आधा आस्तिक है। और हम उनके मीठे ज्ञान से गुलगुल बनते हैं। मीठा माने, मीठा माने जो सबको प्यारा लगे, मीठा सबको प्यारा लगता है या कड़वा सबको प्यारा लगता है? मीठा सबको प्यारा लगता है। तो शिव बाबा बहुत मीठा है, माने सबको प्यारा लगता है। हाँ, वो आत्मिक स्थिति तो मीठी है और का देह की स्थिति मीठी है। गुलगुल माने ऐसे गुलगुल बच्चे बनते हो जो सबको मीठी मीठी आवाज सुनाते हो, जैसे गुलगुल चिड़िया होती है। और लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी को आग जमाता के कपड़े दिखाया, लक्ष्मी नारायण के चित्र में कपड़े दिखाए, आधे आधे कपड़े दिखाए हैं बाह में, और नारायण को पूरी आस्तीन दिखाई है। तो जो सहयोगी है भुजा माने सहयोगी, लक्ष्मी के जो सहयोगी हैं, वो आधे सहयोगी हैं या पूरे सहयोगी हैं? कैसे? लक्ष्मी की जो सहयोगी भुजाएं हैं, वो सिर्फ पवित्रता का सहयोग करने वाली हैं या पवित्रता के साथ साथ ज्ञान योग का भी सहयोग करने वाली हैं? पवित्रता का आधा सहयोग देती हैं, आधा सहयोग, तो उनको आधी भुजा दिखाई गई है। और नारायण को, नारायण को पूरी भुजा है। उनके जो सहयोगी हैं, वो पवित्रता के भी सहयोगी हैं और ज्ञान के भी सहयोगी। विजयमाला पवित्रता की सहयोगी है और रुद्रमाला ज्ञान की सहयोगी है। और मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो बाबा राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है? इसीलिए सत्य कहा जाता है कि अब सारी दुनिया के मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उनकी बुद्धि में किसकी पहचान आ जाती है? हैं? राम की पहचान आ जाती है। जब पहचान आ जाती है तब समझते हैं, अरे दुनिया में ये सारे गुरु झूठे निकले, कौन सा गुरु सच्चा? राम नाम सच्चा। नाम पड़ता है काम के आधार, माने राम वाली आत्मा ही ऐसा काम करके दिखाती है शिव बाबा की मत पर कि सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है।
बाकी जितने भी धर्म गुरु मनुष्य गुरु हुए हैं वो सब स्वर्ग बनाते हैं कि स्वर्ग के नाम पर नरक बना के रख देते हैं, नरक बना के रख देते हैं। इसलिए जब अंत समय होता है मनुष्य का तो भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। क्या जब अंत समय होता है तो राम, वो ये नहीं समझते ये हद के अंत की बात नहीं है, हद के अंत की बात है या दुनिया के बेहद के अंत की बात है, है? जब दुनिया का बेहद अंत होता है, 500 करोड़ की सब मनुष्य आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, तो सब की बुद्धि में ये बैठ जाता है कि राम की आत्मा ही सत्य है और बाकी सब सब झूठे हैं, सब धोखेबाज हैं, कोई भी काम आने वाला नहीं है, सब नकामे। ये अंत की असलियत की बात है, राम नाम सत्य है। और राम के माता पिता कौशल्या और महाभारत में राम के माता पिता, अरे कहाँ का बोलती हो, राम का माता पिता कौशल्या है ना, राम के हैं, कौशल्या उनकी माँ है, हैं राम की माँ है, रामायण में माता पिता भी दिखाए हैं, कौशल्या भी दिखाए, शंकर के माता पिता कहीं नहीं दिखाए, शंकर जन्म है, राम भगवान है कि शंकर भगवान है, भगवान कौन है, है? अरे भगवान कौन है, राम भगवान है या शंकर भगवान का रूप है, कौन है, है? तो फिर जब त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है तो तीन आत्माएं होनी चाहिए कि नहीं, कि अकेली राम की आत्मा, शंकर माने मिक्स। बाबा हाँ बाबा, आप मालिक हैं, हैं बाबा आप मालिक हैं, आपको थंडर पाता है, बटन दबा दे, बटन कौन सा दबा बाबा ऐसा बटन दबाते हैं जैसे कि बटन दबाया जाता है और एटम बम फटता है, ऐसे ही बाबा प्रैक्टिकल परीक्षा का बटन दबावेंगे तब ही दुनिया में भूकंप आवेगा बड़े से बड़ा और दुनिया का विनाश शुरू हो जाएगा। ऐसे ही छोटे मोटे बटन भी हैं, वो तो लास्ट बटन है, ये अभी जो बटन दबाए जा रहे हैं वो छोटे मोटे बटन दबाए जा रहे हैं, ये बेहद के बटन हैं, हद के बटन की बात नहीं है। और बोला था कि सन्यासी गुरु लोग आगे पार कहा जाते हैं, जो सन्यासी हैं और जो मुसलमान हैं, मुसलमान भी त्योहार मनाते हैं तो त्योहार में खेल खेलते हैं, एक लंबा गड्ढा खोदते हैं उसमें जलते हुए कोयले जला देते हैं और उस आग के ऊपर दौड़ते हुए चले जाते हैं। भक्ति मार्ग में ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ही सन्यासी भी ये करिश्मा करते हैं, आग पर दौड़ते दौड़ करके पब्लिक को दिखाते हैं, पानी के ऊपर दौड़ करके दिखाते हैं। बेहद की बात क्या है, बेहद का जो सन्यासी है वो बेहद का सन्यासी ज्ञान जल की धारा में दौड़ के दिखाएगा या स्थूल जल में दौड़ के दिखाएगा, ज्ञान जल की जो धारा है वो विषय वैतरणी की धारा है या स्थूल जल की धारा है, वैसे वैतरणी की धारा है, उस धारा में ऐसे दौड़ता है ऐसे तैरता है कि जैसे दुनिया में
अच्छे अच्छे तारू लोग होते हैं, खुद नहीं डूबते हैं और दूसरों को भी बचा लेते हैं। ऐसे ही बेहद के जो सन्यासी हैं वो भी ये करिश्मा दिखाएंगे, तो उनके करिश्मे दिखाने से दुनिया में कल्याण होता है, है ना। सन्यासियों के और मुसलमानों के ये करिश्मा दिखाने से कोई कल्याण नहीं होता है, दुनिया चमत्कृत होती है लेकिन फायदा कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं पानी में चल करके दिखाते हैं, आग में चल करके दिखाते हैं लेकिन फायदा कुछ भी नहीं। और हाँ बोलो 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 बोलने दो बोलो। हाँ जब रमजान के महीने आते हैं उनके कुछ लोग पानी को नहीं पीते हैं। जब रोजे आते हैं रमजान पानी को नहीं पीते, पानी नहीं पीते। हाँ पानी नहीं पीते। हाँ वो जानते हैं ना कि राम ने जो पुरुषार्थ किया था उस पुरुषार्थ में ज्ञान के सब्जेक्ट की ज्यादा महत्व दिया, सेवा के सब्जेक्ट का ज्यादा महत्व दिया, धारणा के सब्जेक्ट का ज्यादा महत्व दिया या याद के सब्जेक्ट का ज्यादा महत्व दिया? वो जानते हैं कि याद के सब्जेक्ट में राम वाली आत्मा 100% पास हो गई, धारणा में लक्ष्मी पास हुई और सेवा में भी लक्ष्मी पास हुई, क्योंकि जहां प्योरिटी होगी वहां सफलता मिलेगी, या इम्प्योरिटी होगी तो भी सफलता मिलेगी। तो लक्ष्मी और प्योरिटी की परीक्षा में 100% पास होती है तो उसको सफलता मिलती है। तो सेवा में भी पास, धारणा में भी पास और रावण का ज्ञान अच्छा, जो धारणा कम करता है उल्टे काम ज्यादा करता है, प्रैक्टिकल में जिसके ज्ञान समाया हुआ है वो अच्छा, या प्रैक्टिकल में जो फेल वो ज्ञान अच्छा? जिसके प्रैक्टिकल में ज्ञान समाया है तो लक्ष्मी के प्रैक्टिकल में ज्ञान ज्यादा समाया हुआ है या राम वाली आत्मा में प्रैक्टिकल ज्ञान ज्यादा समाया हुआ है? है लक्ष्मी में प्रैक्टिकल में ज्यादा ज्ञान समाया, क्योंकि जहां प्योरिटी वहां प्रैक्टिकल। तो तीनों में लक्ष्मी पास लेकिन 100% याद की यात्रा में पास लक्ष्मी नहीं होती है। कौन पास होता है? राम वाली आत्मा पास होती है। तो मुसलमान भी ऐसे ही हैं। क्या जब रामजान का महीना आता है कि लक्ष्मी जान का महीना आता है? रामजान, राम उनकी जान है। दुनिया में एक स्थान भी है, उस स्थान का नाम उन्होंने दिया राम अल्लाह। क्या राम अल्लाह? वो जानते हैं राम ही अल्लाह है, ऊंचे से ऊंचा है, उसके हम बच्चे हैं। रामायण में राम के बच्चों का नाम क्या दिया है? लव और कुश। ये कोई और बच्चे नहीं है, इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा है और क्रिश्चियन धर्म की जो बीज रूप आत्मा है उन्हीं का नाम लव और कुश है। कुश माने कांटा लगाने वाला, कुशा घास में कांटा होता है ना, और लव माने प्यार करने वाला। तो दुनिया में दैहिक प्यार करने वालों में सबसे जास्ती आगे कौन है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का जो ऋषि है उसका भी नाम है गौतम ऋषि। क्या? गौ माने इंद्रियां, इंद्रियों के सुख में सबसे श्रेष्ठतम जाने वाला उसका नाम है गौतम ऋषि। तो ये अर्थ निकलता है। है हाँ, तो क्या बड़ी बात हुई? जो योगी होगा
उसके लिए बाबा कहते हैं जो मिलिट्री वाले हैं वो कैंटीन में खाना खाएं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? कैंटीन में तो सब कुछ खिलाया जाता, पता नहीं कैसे कैसे लोग बनाते हैं। याद की स्टेज से वो खाना शुद्ध नहीं बना सकते है? बना सकते? ओहो क्या गंदा और क्या अच्छा, जब बाबा की याद में खाया तो उसका असर होगा या नहीं होगा? है माँ समदरिया खाते हैं? अरे भाई शिव बाबा शिवलिंग के रूप में मंदिर में बैठे हैं, जिस मंदिर में बैठे हैं वहां अर्घा मांस का बना हुआ होता है या पत्थर का होता है? वास्तव में वो अर्घा चैतन्य था या जड़ पत्थर का था? तो चैतन्य पत्थर का था तो मांस था या नहीं था? वेद की भाषा में मांस खाना देह अभिमान को ही कहते हैं, देह अभिमान ही मांस खाना है। वो मुख का मांस खाना कोई मांस खाना नहीं है। जैसे मुख भी इंद्रिय है, मुख से मांस खाते हैं कि नहीं? भीमसेन क्या करता था है? भीमसेन बहुत खाता था, तो उन्होंने हद का अर्थ लगाया या बेहद का? उन्होंने तो हद का अर्थ लगा लिया। तो ऐसे ही यहाँ बाप दादा सब बेहद की बातें करते हैं, भक्ति मार्ग में मुसलमानों ने हद की बातें उठाई ली हैं। और है हाँ, मानस तन जो है 63 जन्मों में मानस तन होता है या संगम युग में मानस तन होता है? क्यों 63 जन्म में मनुष्य का जन्म नहीं मिला? हाँ, मानस माने मन से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने जब सृष्टि रची तो संकल्पों से सृष्टि रची। जो संकल्पों से सृष्टि रची जाती है वो मनसा की सृष्टि है। ये अभी रची जा रही है, 63 जन्मों में से जो सृष्टि रची गई है वो तन की इंद्रियों से रची गई है। और अभी अभी कौन सी सृष्टि रची जा रही है ब्राह्मणों की है? मनसा के संकल्पों से सृष्टि रची जा रही है। तो ये सृष्टि के लिए गायन है शास्त्रों में, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य वही है जो मन का उपयोग करे। अगर मन का उपयोग नहीं करता है तो मनुष्य नहीं, जानवर है। आज की दुनिया में सब धर्मों में अंधश्रद्धा के आधार पर चल रहे हैं, मन से नहीं सोचते, बुद्धि से नहीं सोचते कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो अंधश्रद्धा के कर्म कर रहे हैं या श्रद्धा विश्वास भावना के कर्म कर रहे हैं। तो जैसे कि जानवर हैं, भगवान आकर के अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं बताता। भगवान तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो अंधश्रद्धा से चलना नहीं सिखाता, समझ के आधार पर चलना सिखाता है। इसलिए बोला बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर मुनि नर ग्रंथन गावा,